मॉर्निंग के 8:10 हो गए हैं। हम हैं श्री सत्य साई रेजिडेंसी गुनपुर में। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया में। आज हम जा रहे हैं दारिंगबाड़ी, जो कहते हैं कश्मीर ऑफ उड़ीसा, और उससे पहले हम जाएंगे चंद्रागिरी। और अगर महिंद्रागिरी खुला होगा, जो सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा है, अगर ओपन होगा तो वहाँ भी जाएंगे। तो काफ़ी लंबी राइड होने वाली है, क्योंकि पूरी जो राइड है हिल्स में होके गुजरेगी। तो लगभग 289 किलोमीटर की आज की राइड है। मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ, 8:10 हो गए हैं। अभी जाता हूँ, सीधा करूँगा ब्रेकफास्ट। तो मेरे साथ हैं अभिजीत। तो अभी हम बस ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं अभिजीत, और इसके बाद फिर सीधा निकलेंगे। आप कॉलेज जाएंगे। क्लास भी है आज, क्लास भी है। तो अभिजीत भाई का बहुत बहुत थैंक यू यार, आपने बहुत खातिरदारी करी मेरी। तो अब सीधा हम चलते हैं नीचे, अपना पैकिंग करते हैं, फिर उसके बाद सीधा ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं आपको। बम बम बोले जय भोले की, हम निकल पड़े हैं अपनी राइड पे, अनएक्सप्लोर उड़ीसा राइड पे। और गुनपुर से आज जाएंगे दारिंगबाड़ी, चंद्रागिरी और महेंद्रगिरी का अभी डाउट है। महेंद्रगिरी के लिए अभी पता नहीं रास्ता खुला है, खुला भी होगा तो 1 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि जाने के लिए काफ़ी दिक्कत होगी। तो गाइस 8:30 और अभी का मैं प्लान बता दूं, हम जा रहे हैं चंद्रागिरी और महेंद्रगिरी, जो सेकंड हाईएस्ट पीक उड़ीसा, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, जिस वजह से काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शन है, बंद है। तो यहाँ के लोकल्स ने मना किया कि अभी शायद बंद हो सकता है, मत जाइए। तो तकरीबन 2 घंटे का एक्स्ट्रा हमें रास्ता पड़ रहा है अगर हम महेंद्रगिरी जाते हैं तो वो अवॉइड कर रहे हैं। तो अब सीधा जाएंगे हम चंद्रागिरी, वहाँ पे मोनेस्ट्री है, तो मोनेस्ट्री देख के फिर हम सीधा निकल जाएंगे दारिंगबाड़ी। अभी कर रहे हैं हम ब्रेकफास्ट, फर्स्ट इडली खा रहे हैं। इडली लाइट भी होती है सफ़र के लिए और बढ़िया भी होती है डाइजेशन के लिए। हम आए हैं अभिजीत के कॉलेज में, मैं अभिजीत को ड्रॉप करने आया हूँ उसके हॉस्टल में। कल हम हॉस्टल के बाहर रुके थे, कॉलेज ये यूनिवर्सिटी के बाहर, और अभी मैं इसको ड्रॉप करने आया। तो गाइस अभी हम हैं अभिजीत के यूनिवर्सिटी में, और ये हैं अभिजीत भाई। तो यहाँ से हम अभिजीत से विदा लेते हैं। तो अब हम सीधा जाएंगे चंद्रगिरी, हाँ चंद्रगिरी जाएंगे, या फिर उसके बाद दारिंगबाड़ी। तो चलते हैं। और अभिजीत अपना खूब मन लगा के पढ़ाई करो और खूब मेहनत करो, ठीक है? यही बेस्ट विशेस है हमारी तरफ से। थैंक यू भाई। ओके बाय, टेक केयर। तो गाइस चलते हैं हम आगे। एक्सलेंस आवर एसेंस। तो गाइस हमारी राइड शुरू हो चुकी है, गुनपुर से हम निकल पड़े हैं। तो अभी हम जा रहे हैं चंद्रगिरी सबसे पहले, जहाँ पे हमें मीत भाई मिलेंगे। रायगढ़ से मीत भाई चले हैं और गुनपुर से मैं चला हूँ। तो हमारी मुलाकात अब होगी चंद्रगिरी में दोनों की। तो गाइस मेरी 1 घंटे की राइड हो चुकी है, अभी पीछे आप बाइक देख रहे होंगे। और मैं अभी छोटे छोटे गांव से होके गुजर रहा हूँ, अभी आपने देखा भी होगा। और अभी मैं खड़ा हूँ कपास के खेत में, ये देखिए, ये कपास की खेती हुई पड़ी है। और चारों तरफ का व्यू बहुत ही मस्त है, शानदार है, मज़ा आ रहा है यार। उड़ीसा का जो भी व्यू है बहुत ही एकदम फैंटास्टिक है यार, लाजवाब है। आज तो हम जा रहे हैं कश्मीर, उड़ीसा का जो कश्मीर है दारिंगबाड़ी। तो यार आप देखते रहना यार, मज़ा आ जाएगा। और ये देखिए कपास, चलते हैं यार। ये देखिए पूरी माउंटेन देखिए, ये रिवर जा रही है। ओ हो, रास्ता बहुत ज़बरदस्त है यार। और मेरी बाइक 49,995 किलोमीटर चल चुकी है, सिर्फ 5 किलोमीटर के बाद हमारी बाइक की हाफ सेंचुरी पूरी हो जाएगी। तो गाइस व्यू देख रहे हो आप, ये देखिए दोनों तरफ माउंटेन है,
बहुत ही ग्रीन माउंटेन, और ये देखिए यार दोनों तरफ खेत, दोनों तरफ माउंटेन्स, बहुत मस्त है यार रास्ता। सामने देखिए कितनी बढ़िया माउंटेन है, बहुत ही बढ़िया रूट मिल गया मेरे को। तो दोस्तों अभी मेरी बाइक के पूरे 50,000 हो गए हैं, जिसकी वजह से मैं रुक के थोड़ा वीडियो फोटोग्राफी कर रहा था। तो भाई मिले हैं हमें, नाम बताइए अपना। मेरा नाम विलियम, मैं उड़ीसा से, उड़ीसा के रहने वाला हूँ। तो भाई को बहुत शौक है बाइकिंग का, और मेरे को पीछे व्लॉग नाम देखते ही रुक गए, फटाफट पीछे मुड़ के आए हैं। बाइक से जा रहे थे वो, एकदम आए भाई से बात करने लगे, यार आप क्या करते हैं, कौन से ब्लॉग है। तो मैंने अपने चैनल का नाम दे दिया है, भाई लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, इनका चैनल को जरूर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी कराएंगे। हाँ ठीक है। तो थैंक यू भाई, थैंक यू। तो गाइस अभी हमने लिए हैं छोटा सा कॉफ़ी ब्रेक, और यहाँ से चंद्रागिरी 1 आवर की डिस्टेंस पे है जो गूगल बता रहा है। तो मीत भाई का भी मैंने फ़ोन ट्राई किया, मिला तो नहीं, तो वहीं मिलेंगे हम चंद्रागिरी में। तो ये पीछे मैं दिखा रहा हूँ, ये शॉप है और ये हमारी बाइक खड़ी है। तो बस कॉफ़ी पी के निकलते हैं। तो आप यहाँ के लोकल है? अच्छा, कौन सी बाइक चलाते हैं? अपाची सजा रहा बाइक को। बढ़िया बढ़िया, चलो ठीक है भाई, ओके। तो जहाँ भी हम खड़े होते हैं इसी तरह लोकल भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उनके लिए तो नई चीज़ है कि भाई दिल्ली से बाइक पे चल रहे हैं इतनी दूर। तो अभी हमने लिया था छोटा सा कॉफ़ी ब्रेक, तो भाई ने 10 रुपये में इतनी बढ़िया कॉफ़ी पिलाई है, मज़ा आ गया। सुबह हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, कॉफ़ी मैंने नहीं पी थी। गाइस महेंद्रगिरी का रास्ता ये पीछे से निकलता है और राइट साइड को जाना पड़ेगा। 51 किलोमीटर है महेंद्रगिरी, और सेकंड हाईएस्ट पीक है उड़ीसा की, बहुत ही खूबसूरत है वो भी। लेकिन आई थिंक वो रास्ता बंद है, जिसकी वजह से हमें अवॉइड करना पड़ रहा है, नहीं तो मेरा तो बहुत मन था यार महेंद्रगिरी जरूर जाना है। फिर भी चंद्रागिरी जाके पता करेंगे, अगर महेंद्रगिरी में खुला हुआ तो हम जरूर जाएंगे। तो मीत भाई का भी फ़ोन आया था, तो वो 40 किलोमीटर दूरी पर हैं। गाइस मुझे रास्ते में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज नज़र आ रही हैं, तो अभी हम देखने जा रहे हैं मोनेस्ट्री। ये देखिए, ये अभी मुझे हाईवे से नज़र आई है, तो हाईवे से नज़र आई है तो देखना बनता है। बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत ही खूबसूरत। 4-व्हीलर पार्किंग है मोनेस्ट्री, वेलकम व्यू। और ये मैं गेट से अंदर आ गया हूँ, ये देखिए मूर्ति, देखिए कितनी शानदार मूर्ति है। और मैं आगे भी दिखा देता हूँ जो भी, ये देखिए मूर्तियाँ देखिए, बहुत ही शानदार है। नीचे मंदिर होगा, ये दरवाज़ा बंद है। और इसके साथ में ये स्तूपा है, ये 3-4 स्तूपा हैं, ये भी है। ये देखिए, ये है मंत्र व्हील जो हमेशा क्लॉकवाइज चलाया जाता है, इसको चलाने से मंत्र अपने आप काउंट होते हैं। तो हम निकल पड़े हैं चंद्रागिरी के लिए, और ये है महेंद्रगढ़, बहुत ही खूबसूरत मोनेस्ट्री है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। तो गाइस अभी हम रुके हैं टिप्टिन ढाबे पे। भाई आ गया। यही था तू आसपास ही। अच्छा, तो गाइस अभी हम हैं तिप्तिन ढाबे पे, ये देखिए सामने तिप्तिन ढाबा, और मीत भाई बैठे हैं सामने, और आखिरकार हमारी मुलाकात हो गई है यहाँ पे तिब्बत में। हाँ, उड़ीसा के तिब्बत में। और अभी हमने मोमोज, चिकन मोमोज और थुपा हमने ऑर्डर दिया है, तो खाएंगे, देख के फिर बताते हैं आपको क्या टेस्ट है। लोकल जाओ, लोकल खाओ, लोकल रहो।
बी लोकल। कभी नहीं सोचा था कि उड़ीसा में गर्मा गर्म थुप्पा खाऊंगा और ये हम खा रहे हैं तो बहुत थुप्पा जबरदस्त एक्सपीरियंस है, रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस। कैसा टेस्ट है पाजी? मेरी टी शर्ट पे ड्रैगन भी खाना चाह रहा है मोमोज, बहुत टेस्टी है, मज़ेदार। लंच फिनिश, हमने खाए थे मोमोज और थुपका, बहुत ही लाजवाब था यार। जो स्वाद है तिप्तियन का, जो जैनन तिप्तियन बनाते हैं उसका बात ही कुछ हो रहा है, मज़ा आ गया खा के। तो प्लान में थोड़ा स्लाइटली चेंज है, अभी हम जा रहे हैं महेंद्रगिरी जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक है और कहते हैं बहुत ही ब्यूटी है और हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ रामायण और महाभारत से रिलेशन है और 2 आवर्स की जर्नी है हमारी। भाई की हिमालयन तो बनी इसी रोड के लिए, टूटे फूटे रोड के लिए भाई। तो ओहो व्यू गजब गजब गजब, ओए होए भाई इस रूट में तो बहुत सारे व्यू हैं यार। बीच बीच में रास्ता सही आ रहा है, कई बार खराब आ रहा है, दोनों तरह के हैं रोड, मिक्स टाइप और रोड है। बीच बीच में पैच है, पुराने पैच है, फिर नए पैच आ जाते हैं। अब ये पुराना पैच चल रहा है और रास्ता बहुत ही बढ़िया है, मतलब ये और ये बढ़िया हाईवे आ गया। यहाँ से चलेंगे धुमाधुम। तो गाइस ये सामने जो पहाड़ देख रहे हैं, ये माउंटेन देख रहे हैं, ये है महेंद्रगिरी के पहाड़ और ये है सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा। और इस माउंटेन पे भगवान परशुराम ने तपस्या की थी और पांडवों ने भी कुछ समय यहाँ पे गुजारा है। ओहो ब्यूटीफुल, ये देखिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यार, इस रूट में ब्यूटी की कमी नहीं है, इन हिल्स में बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हमें बताया गया था कि ये रोड बंद है, तो देखते हैं। अभी कई लोकल कह रहे हैं खुली है, कोई कह रहा है बंद है, अभी समझ नहीं आ रहा, देखते हैं कहां तक जाते हैं। तो मैं बता दूं, इससे पहले हमने देवमाली जो उड़ीसा की हाईएस्ट पीक है उसकी राइड कर चुके हैं, हम वहां पे जा चुके हैं हम, और अब ये है सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा। तो गाइस हमारा पपलू कट गया है और महेंद्रगिरी का रास्ता 2 किलोमीटर पहले पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और यहाँ पे मेटल रोड बनाया जा रहा है और इवन हमारी बाइक को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो अब हमारा प्लान चेंज हो गया है, तो पहले हमने जाना था दारिंगबाड़ी, तो लेकिन यहाँ महेंद्रगिरी से जो दारिंगबाड़ी का डिस्टेंस है वो मोर देन 135 किलोमीटर है और गोपालपुर बीच का रास्ता यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर है। तो अभी हम जा रहे हैं गोपालपुर बीच और आज जो नाइट का स्टे है हमारा होगा गोपालपुर बीच में और कल हम जाएंगे गोपालपुर बीच से दारिंगबाड़ी। तो आज का जो प्लान दारिंगबाड़ी का था वो शिफ्ट हो गया कल पे। तो यहाँ का व्यू बहुत ही शानदार है, आप जो भी रूट हमने कवर किया है बहुत ही खूबसूरत रूट है और यहाँ के जो हम माउंटेंस हैं बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेंस हैं। तो अभी आपको हम सीधा मिलेंगे गोपालपुर बीच में। तो गाइस अभी हम हैं गोपालपुर से लगभग 30 किलोमीटर पहले और मैं दिखा देता हूँ, ये मेरे पीछे देखिए हनुमान जी की मूर्ति,
तो बहुत ही बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है, साथ में मंदिर है, बहुत ही शानदार। तो मुझे ये व्यू नज़र आया, भगवान जी नज़र आए तो मैं रुक गया। और इन तो काफ़ी देर से मैं हम ऊपर पहाड़ से उतर रहे थे, अब सीधे चलते हैं गोपालपुर, वहाँ जाके अब बात करेंगे आपसे। तो गाइस फ्यूल हो गया ऑलमोस्ट फिनिश, तो हम बाइक में फ्यूल डलवा लेते हैं क्योंकि मेरा सारे पॉइंट ख़त्म हो गए, कोई भी पॉइंट नहीं है। अब ये देखिए 0 पॉइंट हो गया यहाँ पे, और हमारी बाइक चल चुकी है 50,182 किलोमीटर। और ये देखिए समुद्र का किनारा, वेलकम टू द बीच। तो गाइस हमें मिला है होटल मरमेड, और ये सामने है सी, समुद्र के बिल्कुल ऊपर हमें मिला है सी फेसिंग, हमें रूम मिला है मरमेड। तो हमने चेकिंग कर लिया है, तो अभी रूम में जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम हैं गोपालपुर के सी बीच पे, पीछे है सी बीच, और ये एक तरह का वॉकिंग स्ट्रीट है जो बिल्कुल सी बीच के ऊपर बनी हुई है, और इस पे सब कुछ मिलता है, खाना पीना नॉन वेज अपना सी फूड। और अभी हमने छैना खाया, आपने देखा होगा मस्त यार छैना, और देखते हैं अभी हम सी फूड ट्राई करेंगे। और ये मेरे पीछे देख लीजिए, ये बीच है पूरा, मैं पीछे के भी दिखा देता हूँ व्यू, और पीछे ये लाइट हाउस दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए चारों तरफ का व्यू मस्त है यार। और 3-4 दिन से हम पहाड़ों में घूम रहे थे, माउंटेन्स के अंदर बाइक चला रहे थे, और सडनली हम पहुंच गए हैं सी पे, मस्त है यार उड़ीसा, अल्टीमेट उड़ीसा, बहुत प्यारा उड़ीसा यार। और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए इस टूर के बारे में तो एक कमेंट जरूर कर देना, और आप एंजॉय करने पूरे ब्लॉग को एंजॉय करें, अभी और भी आपको घुमाता हूँ। तो गाइस अभी हम हैं गोपालपुर बीच पे, ये मेरे पीछे देखिए समुद्र बीच, और ये समुद्र की लहरें उठती हुई बहुत तेज, इस टाइम हाई टाइड है इसलिए कोई समुद्र के अंदर नहीं जा रहा है, ये देखिए पूरा हाई टाइड है इस टाइम। और ये बीच गोपालपुर बीच बहुत ही लाइव बीच है यार, बहुत ही बढ़िया, इसमें क्राउड है दोनों तरफ, ऊपर भी मैंने अभी दिखाया था आपको, वहाँ तो पूरे खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं, और इधर भी नीचे काफ़ी कुछ बेचने वाले ने अपने स्टॉल लगा रखे हैं, और साथ में आपको चाट पकौड़ी वगैरह जो भी खाना है यहाँ पे मिल जाएगा, साथ में चेयर्स भी हैं, आप चेयर्स पे भी बैठ के पूरे बीच का मज़ा ले सकते हैं। और यही समय है बीच का एंजॉय करने का, जब धूप चली जाती है, और इस टाइम मौसम बहुत ही शानदार हो गया है। और मैं दिखा देता हूँ आपका पीछे का व्यू भी, ये देखिए पीछे होटल्स हैं सारे, और ये 360 व्यू है पूरे बीच का, मस्त है यार गोपालपुर बीच। उड़ीसा वैसे भी बहुत मुझे पसंद आया, अभी तक 6 दिन हो गए मुझे राइड को, और उड़ीसा में एंटर किए हुए मोर देन 3 डेज हो गए, और 3-4 दिन में तो मैंने इतना कुछ देख लिया ना यार, अमेजिंग उड़ीसा, हैट्स ऑफ उड़ीसा। तो कैसा है? बहुत मस्त टेस्टी भाई, छैना खा रहे हैं, छैना दूध का छैना गोपालपुर में, छैना मस्त है एक नंबर मस्त, 20 रुपए में गिलास भर के जबरदस्त। तो सी पॉइंट कबाब सेंटर, एंड ये भाई जी है हमारे, क्या नाम है भाई जी आपका? सत्यम। ये सत्यम भाई है, एंड इनके पास क्या क्या है दिखा रहे हो भैया? ये है प्रॉन्स, फ्रेश प्रॉन है भैया, फ्रेश, ये एकदम फ्रेश, ये आपका समंदर है वहाँ पे, ये प्रदीप सर है, एंड ये आपका प्रॉन है, ठीक है। तो अभी हम आएंगे वापस, एंड आपको दिखाते हैं गर्मा गर्म प्रॉन्स कैसे खाते हैं। सी यू गाइस।